हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू SSB क्रैक एग्जाम्स। आम शिफाली और आज के वीडियो में हम बात करेंगे OTA चेन्नई बटालियंस और कंपनीज के बारे में। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको SSB क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताना चाहती हूँ। अगर आप CDS रिटन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे CDS और OTA के ऑनलाइन कोर्सेज को चेक कर सकते हैं। इन कोर्सेज में आपको फुल लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, लेसन प्लान्स और बहुत सारा कंटेंट मिलेगा जो आपको सीरियस रिटन एग्जाम्स क्रैक करने में हेल्प करेगा। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, आप हमारे मोबाइल ऐप SSB क्रैक एग्जाम्स को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई यानी कि OTA चेन्नई की। OTA चेन्नई में जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स को 2 बटालियंस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें टोटल 7 कंपनीज होती है। 5 कंपनीज में जेंटलमैन कैडेट्स और बाकी 2 कंपनीज में लेडी कैडेट को ट्रेनिंग दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं OTA की दोनों बटालियंस और उनके अंदर आने वाली कंपनीज के बारे में, और जानने की कोशिश करते हैं कि किस बटालियन और कंपनीज की क्या खास बात है जो उन्हें औरों से अलग बनाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं रंजीत सिंह बटालियन, जिसका नाम महाराजा रंजीत सिंह, जो कि पंजाब के महाराजा थे, उनके नाम पर रखा गया है और उन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी बुलाया जाता है। इस बटालियन में 4 कंपनीज है जिनका नाम है जैसमी, कोहिमा, बसंतर और फिलोरा। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इनमें से फिलोरा कंपनी लेडी कैडेट की कंपनी है और वहीं बाकी तीनों कंपनी जेंटलमैन कैडेट्स की कंपनीज हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जैसमी कंपनी की। तो जैसमी कंपनी का नाम बैटल ऑफ जैसमी, जो कि इंडियन आर्मी द्वारा लड़े गए महत्वपूर्ण युद्ध है, उनके नाम पर रखा गया था। जैसमी मणिपुर की उखरुल डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा कस्बा है और यहाँ 27 मार्च 1944 को असम रेजिमेंट, जिन्हें ब्रेव राइनोस भी कहा जाता है, उन सैनिकों ने जापानी फौज के साथ एक भारतीय जमीन पर सबसे पहला और भयानक युद्ध किया था। इस युद्ध में उन्होंने अपने बहादुरी, दृढ़ता, साहस से 31 जापानीज डिवीजन को अकेले ही पूरे 7 दिन तक मुकाबला किया था। बैटल ऑफ जैसमी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बर्मा सेक्टर की सबसे इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में से एक माना गया है। इस कंपनी के सभी जीसी गर्व से खुद को जैगुअर्स कहते हैं और जैसमी कंपनी का कंपनी कलर ब्लू और बैटल क्राय है सामी सामी जैसमी। तो चलिए बात करते हैं कोहिमा कंपनी की। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस कंपनी का नाम बैटल ऑफ कोहिमा के नाम पर रखा गया है। ये लड़ाई जापानीज आर्मी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बीच लड़ी गई थी और इसे भी विश्व की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक माना गया है। कोहिमा की इस लड़ाई को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक टर्निंग पॉइंट बताया जाता है, जहां जापानीज आक्रमण को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और इसके बाद बर्मा को 14th आर्मी ने वापस अपने कब्जे में कर लिया था। इस कंपनी के सभी जीसी गर्व के साथ खुद को किलर्स कहते हैं और कोहिमा कंपनी का कंपनी कलर येलो और बैटल क्राय है हिमा हिमा कोहिमा। अब बात करते हैं बसंतर कंपनी की। सो बसंतर कंपनी का नाम बैटल ऑफ बसंतर के नाम पर रखा गया था, जो कि 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच टैंक और इन्फेंट्री लड़ाइयों में से एक सीरीज थी और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। बसंतर और बारापिंड भारत के वेस्टर्न सेक्टर में लोकेटेड है और इस लड़ाई में इंडियन आर्मी के 2 ऑफिसर्स ने परमवीर चक्र प्राप्त किया था और उनके नाम है 17 पोना हॉर्स के सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल और 13 ग्रेनेडियर्स के मेजर होशियार सिंह। इस कंपनी के सभी कैडेट्स गर्व के साथ खुद को बाइसन्स कहते हैं। बसंतर कंपनी का कंपनी कलर मरून और बैटल क्राय है बाइसन बाइसन ब्रूटल बाइसन। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस टर्म यानी कि जून 2020 से बसंतर कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस के वजह से डिस्बैंड किया जा रहा है। अब आगे बात करते हैं फिलोरा कंपनी की। और जैसा कि हमें मालूम है कि इस कंपनी का नाम बैटल ऑफ फिलोरा के नाम पे रखा गया है। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हुई दुनिया की सबसे बड़ी टैंक लड़ाइयों के बीच इस लड़ाई का नाम शामिल है और इस लड़ाई की शुरुआत 10 सितंबर 1965 को तब हुई थी जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत ही बड़े आर्मर टैंक को लॉन्च पाकिस्तानी अटैक के पूर्ण विरूमन के अंदेशे पे किया गया था। इस लड़ाई को फिलोरा सेक्टर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां पे लड़ा गया था और भारत ने पाकिस्तान की टैंक स्क्वाड्रन के 4 से भी ज्यादा स्क्वाड्रन तबाह किए थे। सिलिकोट सेक्टर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत ही बड़े एंगेजमेंट में से ये एक था। इस कंपनी के सभी कैडेट्स गर्व के साथ खुद को फाइटर्स कहते हैं और फिलोरा कंपनी का कंपनी कलर ऑरेंज और बैटल क्राय फाइटर फाइटर फिलोरा है।
अब हम बात करते हैं शिवाजी बटालियन की, जो कि ओटीए चेन्नई की दूसरी बटालियन है और इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर रखा गया है, जो कि एक बहुत ही बड़े मराठा योद्धा थे। शिवाजी बटालियन में 3 कंपनीज है और उनके नाम नौशेरा, मैक्थिला और जोजिला है। आपकी अतिरिक्त जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि इनमें से जोजिला कंपनी लेडी कैडेट्स की कंपनी है और वहीं बाकी दोनों कंपनीज जेंटलमैन कैडेट्स की कंपनीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्थिला कंपनी की, जिसका नाम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्मा के मैक्थिला में हुए गए युद्ध के नाम पर रखा गया है। इस लड़ाई के दौरान भारतीय सैनिकों ने फील्ड मार्शल बिल स्लिम की कमांड पे जापानीज आर्मी के साथ जमकर मुकाबला किया था और उन्हें पीछे धकेल दिया था। मैक्थिला की लड़ाई एक निर्णायक लड़ाई थी, जिसमें जापानीज आर्मी को काफी कैजुअल्टीज का सामना करना पड़ा और उसके साथ साथ हार का सामना भी करना पड़ा था। इस कंपनी के सभी कैडेट्स गर्व के साथ खुद को द माइटी मस्टैंग्स कहते हैं और मैक्थिला कंपनी कलर ग्रीन और बैटल क्राई है माइटी माइटी मैक्थिला। अब आगे बात करते हैं नौशेरा कंपनी की, जिसका नाम नौशेरा की लड़ाई के नाम पर रखा गया है, जो कि 1948 में भारत पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लड़ाइयों में से एक थी। ये लड़ाई उन लड़ाइयों में से एक थी जिसमें भारतीय सैनिकों के द्वारा नौशेरा को पाकिस्तान और कबीला आर्मी से बचाते हुए साहस, सर्वोच्च बलिदान और पराक्रम की नई गाथा लिखी गई थी। इस कंपनी की सभी कैडेट्स गर्व के साथ खुद को द रॉयल शेराज बोलते हैं और नौशेरा कंपनी कलर रेड और बैटल क्राई है शेरा शेरा नौशेरा। अब बात करते हैं जोजिला कंपनी के बारे में, जो कि ओटीए चेन्नई की 2 लेडी कैडेट्स कंपनीज में से एक है। इस कंपनी का नाम जोजिला पास, जो कि 1947-48 के ऐतिहासिक ऑपरेशंस का साक्षी रहा है और उसी के नाम पर रखा गया है। 24 नवंबर 1948 को इंडियन आर्मी ने इस पास को पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी और कबीलाई लड़ाकों से एक भयानक लड़ाइयों के बाद अपने कब्जे में लिया था। इस कंपनी के सभी कैडेट्स गर्व के साथ खुद को जुलूस कहते हैं और जोजिला कंपनी कलर स्काई ब्लू और बैटल क्राई है जोशीला जोशीला जोजिला। तो ये थी बात ओटीए चेन्नई की बटालियंस और कंपनीज के बारे में। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये इम्पोर्टेंट जानकारी मिल सके। फॉर लेटेस्ट अपडेट डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर SSB क्रैक एग्जाम्स चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।